broken hearted. No silent prayer for the faded parted. And I am gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my life, it's now or never. But I ain't gonna live forever. I just want to lie while I'm alive. It's my life, my heart is like an open highway. Like Frankie said, I did it my way. I just want to lie while I'm alive. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। क्या हाल है? तो गाइज देखो, अगर आपको नेक्स्ट सीजन रैंक पुश करना है भाई, और आपको आपका डिवाइस भाई साथ नहीं देता, मतलब लो एंड डिवाइस वाले हो आप, तो देखो ऐसे में क्या करना है, आप सोलो रैंक पुश कर सकते हो। क्योंकि देखो, डो खेलोगे या फिर स्क्वाड खेलोगे तो आपका तो बहुत लैग होगा भाई, और फ्रेम ड्रॉप भी होता है, उसके साथ हीट भी होता है भाई। तो इसका भाई सब कुछ सोल्यूशन ये वीडियो में बताऊंगा। और भाई देखो, सोलो एपीपी में क्या होता है भाई, इसमें ना आप लो एंड डिवाइस लेके भी आप रैंक पुश कर सकते हो, और इजीली सर्वाइव करके भी आराम से भाई कर पहुंच सकते हो। क्योंकि देखो, इसमें ना सर्वाइवल के बहुत ज़्यादा पॉइंट मिल जाते हैं भाई। वही अगर आप टीपीपी खेलोगे ना, तो उधर आपको किल्स थोड़ा चाहिए होगा, और उसके साथ सर्वाइव भी करना पड़ेगा। बहुत सारे बंदे सर्वाइव करते हैं, लेकिन उधर एक अच्छा खासा डिवाइस चाहिए भाई। तो इसके लिए अगर आपके पास अच्छा खासा डिवाइस नहीं है, और आप भाई नेक्स्ट सीजन भी GMI में रैंक पुश करना चाहते हो, तो भाई सब कुछ भाई मेरा भाई 5 सीजन का एक्सपीरियंस ये एक ही वीडियो पे शेयर करूंगा भाई, सोलो एपीपी का। और भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं भाई बिना टाइम वेस्ट किए। पहले आता है हमको कितना पॉइंट करना पड़ेगा सोलो एपीपी में भाई कनकर पहुंचने के लिए। तो देखो, अगर आप वीक 3 वीक 4 तक इस कर लोगे ना, तो उधर आपको इजीली मिल जाएगा। और इधर भाई ज़्यादा बंदे नहीं खेल देना, तो ज़्यादा पॉइंट भी नहीं लगता। बट ज़्यादा पॉइंट नहीं लगता इसलिए भाई हैकर भी आ जाते हैं इधर पेड पुश करने के लिए। तो भाई सब कुछ बताऊँगा एंड तक। लेकिन देखो, पॉइंट्स लग जाते हैं भाई वीक 3 और वीक 4 के अंदर भाई एज पे ही रहता है। बट वीक 5 और वीक 6 जब हो जाता है, तब आपको भाई 20 पॉइंट या फिर 30 पॉइंट ज़्यादा करना पड़ेगा। और वीक 6 वीक 7 आते ही भाई आपको 40 या 50 पॉइंट ज़्यादा करना पड़ेगा भाई। और ये था भाई ग्लोबल पे। लेकिन नेक्स्ट सीजन पता नहीं क्या होने वाला है। देखो, बहुत सारे बंदे तो आ जाएंगे भाई जो जो नहीं खेल रहे होंगे, और वो भी चाहेंगे कि भाई ये पहले सीजन ही भाई रैंक पुश करें और कनकर पहुंचे। बट देखो, ग्लोबल पे क्या होता था कि भाई पूरा एशिया के बंदे आते थे भाई, और बहुत सारा कॉम्पिटिशन होता था भाई, बहुत सारे बंदे आते थे। लेकिन अगर BGMI में भाई सिर्फ इंडिया का ही रैंक दिखाता है, तो इसके वजह से ना रैंक बहुत गिर जाएगा भाई, और आपको ईजिली एस पे ही मिल जाएगा भाई, और एस से ज़्यादा पॉइंट नहीं लगेगा, आराम से ईजिली आप कर लोगे। अब देखो भाई, अगर आप सोलो एपीपी रैंक पुश कर रहे हो पहले सीजन भाई, आपको पता नहीं कि इधर कैसे प्लस मिलता है और कैसे कैसे होता है, तो मैं देखो बता देता हूँ भाई। 4 सीजन से रैंक पुश कर रहा हूँ सोलो एपीपी में। तो देखो क्या होता है भाई, आप इजीली ना सर्वाइव करके बहुत प्लस निकाल लोगे भाई, और एस पे तो कनकर मिलता है, तो आप मस्त इजीली सर्वाइव कर करके क्राउन 2 या फिर क्राउन 1 भी कर लोगे भाई सर्वाइवल पॉइंट लेके। बट उधर से आपको भाई बहुत सर्वाइव करना पड़ेगा, और उसके साथ भाई टॉप 10 आना पड़ेगा, और उधर आपको किल्स भी निकालना पड़ेगा भाई। अगर आप क्राउन 1 पे होगे ना, तो किल्स नहीं है आपके पास, तो प्लस भी नहीं होगा, आप समझ लो भाई। अगर आप टॉप 10 आते हो भाई और आपके पास 2-3 किल है ना, तो भाई ज़्यादा प्लस नहीं होता, 10 के आसपास ही प्लस होगा, ज़्यादा प्लस नहीं होगा। तो किल्स इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप टॉप 5 आते हो तो वो भाई अलग बात है, आपको थोड़ा ज़्यादा पॉइंट मिलेगा, लेकिन किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। और लेकिन एक चीज़ ऐसा होता है, देखो आप अगर पहले से खेल रहे होगे भाई, सर्वाइव कर करके प्लस निकाल रहे होगे, तो ऐसे में क्या होता है, जे सर्वाइव तो आप बहुत करे होगे भाई पहले से, लेकिन जब आप क्राउन 1 या फिर क्राउन 2 आते हो, तो उधर आप किल्स नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि आपने पहले से भाई बहुत सर्वाइव खेल लिया। इसका एक सिंपल सोल्यूशन है भाई, देखो अगर आप पहले से खेल रहे होगे गोल्ड टायर पे, प्लेटिनम टायर पे भाई, जोन के बाहर रहकर प्लस निकाल रहे होगे भाई, जोन के अंदर ही नहीं जा रहे होगे, उधर तो प्लस मिल जाएगा। बट भाई आप क्राउन 2 क्राउन 1 आओगे ना, तब उस टाइम भाई आपको बहुत दिक्कत पड़ेगा। इसलिए देखो मैं ये बोल रहा हूँ, प्लेटिनम तक आते आते भाई 2 जोन मतलब बाहर ही रहो, ऐसा भी नहीं कि भाई पहले से ही सेंटर खेल लो और माइनस लगा लो। क्योंकि देखो आप भाई 2 जोन सर्वाइव कर लो, और फिर बाद में चलो भाई जोन के सेंटर पे, और उधर से ना बिल्कुल किल्स निकालने का देखो, क्योंकि उधर आपको ज़्यादा माइनस नहीं लगेगा भाई। और डायमंड पे भी आपको ऐसे ही खेलना है, 3 जोन बाहर रह लो भाई, और
फिर बाद में ना बिल्कुल सेंटर पकड़ लो, कोई भी हो भाई उधर जाके ना पुश कर लो और फाइट लेना सीखो भाई। और एंड में सिर्फ फाइट लेने का देखना, और जब मैं ये डायमंड टायर का बात कर रहा हूँ भाई, और ऐसा भी नहीं कि भाई ऐसे मतलब बेफालतू में पुश करना है, रस कर खेलना है, ऐसा आराम से खेलना भाई, आराम से कवर लेके फाइट लेना ये सब, क्योंकि एफपीपी में ना भाई कुछ दिखता ही नहीं पीछे का, तो पीछे से कोई कौन कहाँ से मार देगा ये आपको पता नहीं चलेगा, और बहुत सारे हैकर आते हैं ESP वाले, तो देख के। तो देखो माइनस का डर तो सबको होता है, लेकिन ऐसा भी होता है कि माइनस लग जाएगा ये सोच के ना आप अच्छे से फाइट नहीं ले पाओगे, सामने जो बंदा होगा उसके साथ भाई अच्छे से फाइट नहीं लोगे और इजीली मर जाओगे उसके द्वारा। तो इसको भाई आपको अवॉइड करना, मतलब डर नहीं होना चाहिए जब आपके पास एनिमी हो, लेकिन बेफालतू में ऐसे मतलब फाइट नहीं लेना, कभी भी नहीं लेना, क्योंकि इधर प्लस नहीं मिलता भाई ज़्यादा, पहले से आप मर जाओगे तो भाई बहुत ज़्यादा माइनस लग जाएगा। तो इसके लिए देखो आप ऐसे फाइट लेना कि फाइट लेने के बाद ना आप ये मत सोचोगे कि भाई ऐसे मुझे मारना चाहिए था, मैं इसको इजीली क्लियर कर देता। तो माइनस का डर होता है, और माइनस का डर ज़्यादा होता है जब आप ग्राउंड 2 या फिर ग्राउंड 1 पे हो गए, तो उस टाइम देखो पहले से अगर आपके लैंडिंग लोकेशन पे या फिर कोई आसपास बंदा है ना, तो आप उधर से निकल लो भाई, क्योंकि माइनस का चांस भाई 90% होता है, 10% आप इजीली मार दोगे, पर आप मार सकते हो भाई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर आप माइनस लग गया ना तो कवर करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। तो आपको ये चीज़ में ध्यान रखना है कि देखो माइनस तो होगा भाई, अगर आपके आसपास बंदा आ गया क्लोज में है तो आप देखो फुल पोटेंशियल दो अपना, ताकि उसको आप इजीली किल कर पाओ भाई। बाद में ये मत सोचना कि भाई रिग्रेट हो आपको कि मैं इसको इजीली मार सकता था, मुझे राइट से जाना चाहिए था या फिर मुझे गाड़ी लेके निकलना चाहिए था, ये आपको ध्यान में देना है भाई। और तो देखो जो पहली बार रैंक पुश करोगे एपीपी पे, तो पहले से तो आपने एपीपी नहीं खेला होगा, और भाई दोस्त लोग के साथ स्क्वाड खेल दोगे, लेकिन देखो अगर आप एपीपी पे रैंक पुश करना चाहते हो ना पहले से, देखो ऐसे ही आपका भाई टीपीपी खेल रहोगे और डायरेक्टली आप एपीपी पे आ जाओगे और रैंक पुश स्टार्ट कर दोगे, तो ऐसे में नहीं होता भाई, हाथ बिल्कुल टीपीपी जैसा भाई हो जाता है, मतलब नहीं हो पाता, ये मेरा एक्सपीरियंस है भाई। देखो अगर मैं 4-5 दिन टीपीपी खेल लेता हूँ ना, तो फिर एपीपी खेलूँगा तो एपीपी में भाई मतलब मर जाऊँगा भाई, बॉट से भी मर जाऊँगा ऐसे आता है। तो ऐसे आपको तो भाई ध्यान में रखना है, अगर आप टीपीपी खेले होगे तो एपीपी थोड़ा TDM खेल लो भाई, ट्रेनिंग ग्राउंड कर लो और फिर रैंक पुश करने जाओ, तभी भाई आपका भाई अच्छा खासा गेम जाएगा। और देखो भाई अगर आप एपीपी रैंक पुश कर रहे हो ना, तो week 3 week 4 तक कंप्लीट कर लो, बाद में बहुत मुश्किल होता है भाई, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, ऐसा भी नहीं कि भाई नहीं कर सकते, बट बहुत मुश्किल होता है, प्लस निकालना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई हैकर आ जाते हैं, और हैकर से भाई क्या ही करें, हैकर आप जब उतर रहे होगे तो -40 -50 लगा देंगे, तो वो सब आप जब लगता है तो डिमोटिवेशन मिल जाता है। तो ये आपको ध्यान में रख के खेलना भाई, क्योंकि हैकर बाद में बहुत आएंगे भाई, पहले से कंप्लीट कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ट्राई करना भाई सुबह ही खेलना, क्योंकि देखो एपीपी में ऐसा होता है कि सुबह ज़्यादा प्लस मिलता है, और सुबह मतलब थोड़ा नूब लॉबी आ जाते हैं, बट उसमें अच्छा खासा प्लस मिल जाएगा अगर आप सर्वाइवल के साथ थोड़े किल्स निकाल लो। अभी देखो प्रोटेक्शन कार्ड को आपको अच्छी तरीके से यूज करना है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, देखो क्या मतलब रैंक पुश करते टाइम मैं अपना भाई कार्ड यूज़ कर लेता हूँ, लेकिन वही भाई मैं डीएक्टिवेट करना भूल जाता हूँ जो कुछ भी है भाई, क्योंकि देखो स्क्वाड जैसे ही खेलता हूँ तो देखता हूँ कि भाई मेरा प्रोटेक्शन कार्ड यूज़ हो गया है। तो ऐसे ही आपको ध्यान में रख के खेलना है, और कार्ड भाई आराम से यूज़ करना, और क्राउन पे ही यूज़ करना भाई, और इस टाइम पे करना, जैसे कि देखो मुझे क्राउन 2 जाने के लिए अब 20 पॉइंट चाहिए या फिर 30 पॉइंट ऐसे चाहिए, तो आप उधर यूज कर सकते हो इजीली, और आपको पहले से कभी भी नहीं करना है। देखो आप क्राउन 3 हो गए और 10 पॉइंट ज़्यादा होगा, तब आपको भाई ध्यान में रख के ना अपना कार्ड हटा देना है, क्योंकि उधर आपका 10 ही माइनस होगा भाई, गवर्नमेंट टायर प्रोटेक्शन ऑटोमेटिक वाला लग जाता है उधर। अभी देखो भाई हैकर कब आते हैं, क्योंकि देखो रात में ज़्यादा हैकर आ जाते हैं भाई, और अगर week 4 week 5 चल रहा होगा ना, तो ज़्यादा हैकर आने चालू हो जाते हैं तभी से, तो आपको ध्यान में रख के खेलना है भाई। और हैकर है मैच में ना, तो आपको जोन के बाहर ही सर्वाइव करना है, बिल्कुल अंदर नहीं आना है भाई। अगर एक अच्छा खासा मतलब बेकार हैकर भाई, जैसे कि आपको बताया कि भाई घूम घूम के मारेंगे या फिर घर के अंदर घुस के ऐसे एमबॉट लगा के, तो ऐसे में आपको ध्यान में रहना है, और भाई जोन के बाहर ही रहो जितना हो सके। और इधर इस पे कंकर मिल जाता है, तो वही हैकर लोग ना पेड़ पुश करने के लिए आ जाते हैं, और उसके लिए वही बहुत ज़्यादा बंदों का ना स्कैम कर लेते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि देखो भाई इंस्टा पे ना मुझे बहुत मैसेज आते हैं, बहुत मतलब ऐसा भी नहीं कि भी जब भी आता है तो ऐसे बंदे बोलते हैं कि भाई मेरा आईडी ये हैकर ने मतलब हड़प लिया भाई, और मेरे से पैसे भी ले लिए। तो देखो आपको ये स्कैम से बचना है भाई।
मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखो भाई मैसेज आते हैं भाई और बंदे बोलते हैं कि मेरा इसने भाई एक भाई पिछले सीजन की बात है, उसने बोला मुझे मेरे से भाई 8000 भाई 8000 मेरे से भाई स्कैम कर लिया और मेरा आईडी भी नहीं दिया। तो आपको देखो बच के रहना भाई और एक ट्रस्ट वाले बंदे को ही देना जो कि मतलब अच्छा खेल रहा होगा या फिर कोई भी अच्छा खासा यूट्यूबर होगा। और ऐसा भी नहीं कि भाई यूट्यूबर भी है मतलब स्कैम नहीं करते, यूट्यूबर भी है स्कैम कर लेते हैं भाई। तो आपको जिस पे ट्रस्ट हो भाई उसको ही देना। अभी देखो भाई सोलो एपीपी का एडवांटेज और डिसएडवांटेज डिस्कस करेंगे। तो देखो एडवांटेज में क्या है, देखो आपको भाई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इधर, क्योंकि आराम से खेल के ना आप कर सकते हो। अगर आपने 3-4 दिन नहीं खेला तो आप इजीली इधर सर्वाइव करके ना प्लस निकाल सकते हो, और 3-4 दिन रेस्ट कर लिया तो आपको रैंक का भाई चिंता नहीं होता क्योंकि इधर ज़्यादा बंदे नहीं है भाई। वही अगर आप टीपीपी खेलोगे ना तो उधर एक दिन क्या भाई, एक घंटा नहीं खेलोगे ना तो 400-500 बंदे भाई आपका मतलब रैंक उतना गिर जाता है ना। तो आपको भाई हर टाइम खेलना पड़ेगा अगर आप पहले से रैंक करना चाहते हो, लेकिन एपीपी में ऐसा नहीं होता भाई। आप 2 दिन नहीं खेलोगे ना तो आप मस्त भाई रैंक नहीं बढ़ता क्योंकि ज़्यादा बंदे नहीं है इधर, तो टाइम बहुत कम लगता है। टाइम तो मतलब उतना ही लगता है लेकिन इधर आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा भाई खेलने के लिए, और आपको मतलब चिंता नहीं होगा रैंकिंग का। और ये वीडियो तो मैं लो एंड वाले के लिए बना रहा हूँ, तो इसके लिए देखो सोलो एपीपी ही बेस्ट है भाई। अगर आपका अच्छा खासा डिवाइस नहीं है या फिर फ्रेम ड्रॉप होता है भाई तो देखो सर्वाइवल पे प्लस मिल जाते हैं इधर इजीली, लेकिन टीपीपी करोगे तो उधर नहीं होता भाई, आपको थोड़ा किल्स भी निकालना पड़ेगा और इधर कंपटीशन नहीं है भाई ज़्यादा, इसलिए आप इजीली कर लोगे, लेकिन आपको पहले से करना पड़ेगा, बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप बाद में भी कर सकते हो भाई। इसका बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं, जैसे कि भाई इधर बहुत सारे हैकर हैं और हैकर के साथ टीम अप भी हैं भाई। हैकर लोग ना टीम अप करके भाई भी खेलते हैं, 3-4 बंदे एक मैच में। तो ऐसा हुआ था कि भाई 5 बंदे एक घर में रहे भाई, बिल्कुल कैम करके बैठे थे, मैं उधर पुश करने गया और मेरा बूम बाम हो गया। तो ऐसा ही होता है, बहुत सारे टीम अप मिल जाएंगे आपको, हैकर मिल जाएंगे और मैच मेकिंग प्रॉब्लम थोड़ा होता है। प्रॉब्लम तो ऐसा होता है लेकिन एंड में होता है भाई मैच मेकिंग प्रॉब्लम, और पहले से भाई थोड़ा लेट होता है, लेकिन आप अगर टीपीपी खेलोगे तो उधर आप सारे मैप खेल सकते हो भाई, लेकिन इसमें एक ही मैप खेल सकते हो जो कि है इरांगेल, क्योंकि ज़्यादा बंदे नहीं है इधर, इरांगेल ही सब खेलते हैं। और अगर आप टीपीपी खेलोगे तो सैनॉक खेल सकते हो, मीरामार या फिर सब कुछ खेल सकते हो। और देखो सोलो एपीपी भाई मतलब बोरिंग तो होता है भाई, आपका बॉडी नहीं दिखेगा तो आप जैसे ही मारोगे तो थोड़ा स्टाइल नहीं मार पाओगे, थोड़ा रिफ्लेक्स नहीं दिखा पाओगे, तो आप इजीली कर लोगे भाई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो कंक्लूजन की बात तो ये आता है कि आपको करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए सोलो एपीपी में। तो अगर आपके पास डिवाइस अच्छा नहीं है तो आपको करना चाहिए भाई। तो आज के लिए इतना ही भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।